बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं वेलकम कहता हूँ आज के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आज की वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से गूगल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जी हां व्यूअर्स, मैं आपको ऑन करने का तरीका बताऊँगा और उसके क्या बेनिफिट्स है। हम ओपन कर चुके हैं अपना प्ले स्टोर। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हम सेटिंग पर क्लिक कर चुके हैं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन शो हो रहा है ऑथेंटिकेशन फिंगर प्रिंट परचेज ऑथेंटिकेशन। जी हाँ दोस्तों, ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे ऑप्शन शो हो रहा है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑफ का ऑप्शन शो हो रहा है। तो आपने इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे यहाँ पर आपका जीमेल का जो पासवर्ड है वो मांग रहा है। तो हम यहाँ पर अपना जीमेल का जो पासवर्ड है वो यहाँ पर हम ऐड करेंगे। जैसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको ओके का ऑप्शन शो हो रहा है। तो मैं ओके पर करूंगा क्लिक। जैसे ही ओके पर क्लिक करूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपको नीचे जो रिक्वायर ऑथेंटिकेशन फॉर परचेज फॉर ऑल परचेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको करना क्या है, आपको जो फॉर ऑल परचेज थ्रू गूगल प्ले इन दिस डिवाइस, इस पर आपने टिक करना है। आपने एवरी 3 मिनट्स या नेवर पर क्लिक नहीं करना है। व्यूअर्स, इसका क्या बेनिफिट है, अगर ये आपका ये ऑफ होगा तो आपकी बेनिफिट कटती रहेगी, अगर ये ऑन होगा तो आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मांगी की। जी हाँ व्यूअर्स, व्यूअर्स अगर ये ऑफ होगी तो आपकी बैलेंस कटती जाएगी, अगर ये ऑन होगी तो यह आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा। जब आप वेरिफिकेशन देंगे तो आपके गूगल प्ले स्टोर से बैलेंस कटते रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इतना सी वीडियो था। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो बड़ा मेहरबानी, हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियोस मेरे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।